अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मलिक खालिद है और आप देख रहे हैं टेक मलिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के हवाले से। अगर आप सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान जाना चाहते हैं या बांग्लादेश जाना चाहते हैं, इंडिया जाना चाहते हैं, किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आप दोस्तों के साथ बहुत ही अहम और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप ये छोटी सी गलती करते हैं, जो पहले 3 साल का जुर्माना था, अब उसको बढ़ाकर जो है दोस्तों 5 साल जो है ये दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 5 साल तक आपको पाबंदी लगा दी जाएगी, आप सऊदी अरेबिया एंट्री नहीं कर सकेंगे। जो जुर्माना था 50,000 रियाल, उसको जो है अब 1,00,000 रियाल कर दिया गया है। पूरी तफसीलात इसी वीडियो के अंदर आप दोस्तों को जो है बताने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आपने लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर भी कर देना है, ताकि आपके और भी दोस्तों को पता चल सके। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट जारी किया गया है कि अगर आप किसी भी रेड लिस्ट वाली कंट्री में ट्रैवल करते हैं, जी हाँ दोस्तों, जिस कंट्री पर सऊदी अरेबिया ने पाबंदी लगाई हुई है, रेड लिस्ट वाली कंपनी सॉरी रेड लिस्ट वाले मुमालिक में आप जो है ट्रैवल करते हैं, तो आप पर जो है पहले 3 साल जो कैद थी, अब जो है 5 साल की पाबंदी लगा दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 5 साल तक आप सऊदी अरेबिया के लिए एंट्री नहीं कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सऊदी गवर्नमेंट सऊदी कैबिनेट में जो कल इजलास किया गया था, उसमें ये अनाउंसमेंट जारी किया गया, अब रेड लिस्ट वाली कंट्री में कोई भी बंदा ट्रैवल करेगा तो वो 5 साल के लिए सऊदी अरेबिया के लिए बैन कर दिया जाएगा और उस पर 1,00,000 रियाल जुर्माना भी किया जाएगा। ये दो काम होने के बाद वो फिर जो है सऊदी अरेबिया में एंट्री कर सकेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जाना चाहते हैं तो आप ये ध्यान में रखें, किसी रेड लिस्ट वाली कंपनी सॉरी रेड लिस्ट वाली मुमालिक में ना घुस जाए, नहीं तो दोस्तों आपको ये जुर्माने लाजमी से अदा करने पड़ेंगे, उसके बाद आप सऊदी अरेबिया के लिए ट्रैवल कर सकेंगे। मेरे भाई, हमारा काम होता है जो भी अपडेट है आप दोस्तों को बताना। सऊदी कबीना में वजारत अमल की तरफ से भी ये बताया गया है कि कोई भी बंदा कोई भी गैर मुल्की रेड लिस्ट वाली मुमालिक में ट्रैवल बिल्कुल भी ना करें। तो अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।